1984 में सिख दंगों में पीड़ितों को न्याय दिलवाने वाले एवं सिख दंगों के मुख्य दोषी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दिलवाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरविंदर सिंह फुलका का सोलन पहुंचने पर सिख संगत द्वारा जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब सपरूर में कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। सपरून गुरुद्वारा साहिब में हरविंदर सिंह फुलका ने अपने विचार साझा किए और 1984 दंगों पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर सोलन, सपरून, डकशाई, सुबाथू, कंडाघाट गुरुद्वारा साहिब के प्रतिनिधियों ने हरविंदर सिंह फुलका को सम्मानित किया। हरविंदर सिंह फुलका ने कहा कि पूर्व में केंद्र में रही यूपीए की सरकार नहीं चाहती थी कि दंगा पीड़ितों का केस आगे चले व पीड़ितों को न्याय मिले। फुलका ने दिल्ली में सिख ड्राइवर पर पुलिस द्वारा बरसाए गए डंडों का विरोध किया और मांग की कि दोषी पुलिस कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने कहा कि 1984 में पूरी सरकार सिखों के विरोध में थी तथा बाकी बचे हुए दोषियों को भी वे सजा दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 1984 में तो जो था वो तो एक सरकार की तरफ से, जो उस टाइम की कांग्रेस की सरकार थी, उसकी सरकार की तरफ से एक सोची समझी साजिश थी और एक प्लान बना के जो सिखों को मारा गया, जो कि नरसिंहगढ़ था और जिसको कि जीनोसाइड कहते हैं, वो उस तरीके से करा गया। वैगुरु की मेहर से, भगवान की मेहर से ये जो जीत हुई, ये बहुत बड़ी जीत और ये जरूरी थी। आखिरकार ये जो एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये जीत जरूरी थी, ताकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके मन में खौफ हो कि आज हम सत्ता में हैं, अगर हम ऐसे घरूले जुर्म करेंगे, कहले कोई सिखों की बात नहीं है, किसी के भी खिलाफ ऐसे हम कानून को तोड़ेंगे, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब कानून के शिकंजे में हम आएंगे। जवानी में हम जुर्म करेंगे तो बुढ़ापा जेल में करना पड़ेगा। तो मैं नवंबर में ही 1984 में ये केसेस करने शुरू कर दिए, तो मेरी उम्र तब 28 से 30 साल की थी और मैं 3 साल का मेरा तजर्बा था वकालत का, तो मगर मैं तभी से ये केसेस करने शुरू किए। जो मिश्रा कमीशन 1985 में अपॉइंट हुआ जो, और उसमें पीड़ितों की तरफ से मेन जो लॉयर था मैं ही था। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।